राघोपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां 14 मई को राघोपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भगा टोला के पास संजय कुमार शाह एवं दिलीप यादव पर फकीरना स्थित निर्माणधीन राइस मिल गोदाम से लौटने के क्रम में एक पल्सर पर 3 सवार अपराधियों ने अंधाधुन गोली चला दी थी। इस क्रम में घटनास्थल पर ही दिलीप यादव की मौत हो चुकी थी, जहां चावल व्यवसायी संजय कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। अपराधियों द्वारा गोली मारने के बाद संजय कुमार शाह से उसका सोने का चैन और अंगूठी भी छीन लिया गया था। इस गोलीकांड से राघोपुर क्षेत्र के लोगों में भय का माहौल बना हुआ था। वहीं सुपौल एसपी शोषण कुमार यादव ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए एक टीम का गठन किया। गोलीकांड में संलिप्त 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों में पप्पू कुमार मेहता, अमित कुमार, जितेंद्र कुमार, विकास कुमार उर्फ बिक्की यादव एवं रूपेश कुमार शामिल हैं। इस वक्त सुपौल के वरीय संवाददाता सुरेश कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं कि अभी वहां का माहौल क्या है। जी, अभी यहां पे जो है, जो घटना हुई थी वहां से 14 को, इसी महीने 14 तारीख को जो हुई थी अपराधी के द्वारा घटना, उसमें जो अभी लोग जो है अभी नींद से सो रहे हैं। अभी जो है लोगों में दहशत की जो माहौल था, वो माहौल जो है खत्म हो चुका है। यहाँ पे जो है एसपी सेशन के द्वारा जो है मनसे और डीएससी अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान के द्वारा जो है बहुत बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें की 5 वो अपराधी को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों का अपराधी इतिहास पहले से भी रहा है क्या? जी, अपराधी जो है मतलब कि अभी कुछ अपराधी है, आपको बता दूं मैं कि जैसे कि कुछ अपराधी की है कि शराब माफिया भी रह चुके हैं, कुछ पहले से जो है मतलब कि संलिप्त हैं, अपराध में संलिप्त है, कई थाना में उनका दर्ज है, कार्य संख्या उसी के आधार से इन लोग का किया है, जो कि अभी के डेट में जो है, यानी कि पुलिस पूरी तरह से उस अपराधियों के लिए छानबीन कर रही है और उनके अपराधी की इतिहास खंगालने की कोशिश कर रही है। हाँ, तो हाँ जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोर जी। जी जी, पकड़ा गया है जी जी, उसके उसके साथ में जो एक देसी कट्टा है जी, 2 खोखा है जी जी, और 5 मोबाइल है। घटना से प्रयुक्त जो है मोटरसाइकिल एक गिरफ्तार अभियुक्त के नाम जो है अभी पप्पू मेहता है, और ढेर सारे ऐसे अपराधी 5 जो है कि उनको गिरफ्तार किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुरेश जी। इस वार्ता में सुपौल के एसपी शोषण कुमार ने बताया है कि सारे अपराधी का पुराना इतिहास रहा है। एक घटना घटी थी जिसपे अपराध कर्मियों ने राइस मिल मालिक संजय कुमार शाह और उसके मुंशी दिलीप यादव पर गोली चलाया था। इस घटना में दिलीप यादव की मृत्यु हो गई थी और राइस मिल मालिक संजय कुमार शाह गंभीर रूप से जख्मी हुआ था, उसे भी गोली लगी थी। घटना घटने के बाद एक विशेष टीम का गठन किया गया और कांड का अनुसंधान किया गया। वैज्ञानिक तथा तकनीकी विश्लेषण से कुछ साक्ष्य एकत्र हुए, उस आधार पर अनुसंधान करते हुए जो भी सस्पेक्ट थे उसको उठाया गया। अमित कुमार नाम का व्यक्ति जिसे पूछताछ किया गया, उसने घटना के बारे में विस्तार से बताया और घटना में जितने भी संलिप्त अपराधकर्मी थे सभी के बारे में बताया और बारी बारी से सभी को गिरफ्तार किया गया है। और घटना में प्रयुक्त एक देसी कट्टा भी रुपेश कुमार के पास से रिकवर किया गया है और अभी एक अपराधकर्मी की गिरफ्तारी शेष है इसमें।